बाबा का बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा कार्यालय पर चलाया गया बुलडोजर। विक्रमादित्य मार्ग पर अवैध दुकानों पर हुई कार्यवाही। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 1.5 महीने पहले दिया गया था नोटिस, सपा कार्यालय के सामने चला बाबा का बुलडोजर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। विक्रमादित्य मार्ग पर अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई, सपा कार्यालय के सामने चला बुलडोजर। 1.5 महीने पहले दिया गया था नोटिस, अवैध दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर, सपा कार्यालय के सामने चला बुलडोजर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डेढ़ महीने पहले दिया गया था नोटिस, सपा कार्यालय के सामने चला बाबा का बुलडोजर। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शादाब। शादाब, बाबा का बुलडोजर अब सपा के कार्यालय तक पहुंच चुका है, क्या खबर सामने आ रही है? और हम यहाँ कुछ दुकानदार थे जिनकी जो यहाँ पे दुकान लगाए हुए, आज इनके ऊपर नगर निगम ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई है, प्रबोधन चलाया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे नगर निगम की कार्रवाई हुई है, जिसमें यहाँ पे कई दुकानें ऐसी थी जहाँ खाने पीने का सामान था, और साथ ही जो खाने पीने का सामान होता थी यहाँ पे प्रचार की दुकानें थी, उनको भी आज नगर निगम ने उनका बुलडोजर चलाया। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ज्यादा प्रचार की चीजें मिलती थी, और साथ ही यहाँ खाने पीने का भी सामान था, जिनको लेकर नगर निगम लगातार इनको नोटिस दे रहा था। नगर निगम का कहना है कि 6 महीने से वो लगातार इनको नोटिस दे रहे थे, उसके बाद ही नगर निगम ने कार्रवाई की है। फिलहाल जो नगर निगम का कहना है और वो ये कहना है कोशिश करते हैं और जानते हैं किस तरह यहाँ पे नगर निगम ने कार्रवाई की। भैया क्या नाम है, क्या आपकी दुकान थी यहाँ पे, क्या क्या हुआ अभी? दुकान बंद है, दुकान तोड़ दी गई। क्या पहले नगर निगम आई थी यहाँ पे, कुछ नोटिस वोटिस मिली थी कि डायरेक्ट आ गई है? पहले नोटिस आई थी, जिसकी कार्रवाई हो रही थी, पैसा जमा करना है या तो दुकान हटाई थी। हम लोग पैसा भी नहीं थे यहाँ से, वहाँ से कोई वो नहीं हो रहा था, उसके बाद आज एकदम से अगले वाले को फोन किया, उनकी दुकानें खुली, मैंने फोन करके बताया दुकान टूट गया। हम लोग आज यहाँ देखा दुकानें टूट गई, जब यहाँ से बेंचे निकाल पाए थे काफी नहीं। नगर निगम ने कुछ बताया था आपसे कि आज हम ये कार्रवाई करेंगे या कोई भी नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं था? आज की जो हुई है कार्रवाई कोई भी जानकारी नहीं। अच्छा, फिलहाल क्या नगर निगम से क्या आप लोग इससे पहले बात किए थे या कोई अधिकारी से आप मिले थे, क्या हुआ था? मतलब कुछ तो बात ये हुआ था कि नोटिस पे सिंपल सा रखा था 2,80,000 रुपए बाजार का है, पैसा जमा करवा दीजिए या तो दुकानें हटवा दी जाएंगी, सब लोग पैसा तो मिले थे यार, मगर अभी तक वहाँ से पैसा कितने देना है, कहाँ पे देना है कुछ नहीं कन्फर्म हुआ था। उसके बाद ये हुआ है कि यहाँ पे दुकानें हटवा दी। कब से आपकी यहाँ पे दुकानें थी? 2001 2001 मतलब 11 साल तकरीबन, 21 साल कई साल मतलब टोटल हो गए। मतलब यहाँ पे पहले तो कहाँ आए देखे तो करीब यहाँ पे 15-20 साल। तो कितने लगभग यहाँ दुकानदार होंगे, टोटल कितना क्या? 7-8 दुकानदार थे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने आपकी दुकान थी, किस चीज की दुकान थी आपकी? बता दूंगे तो आप सब पार्टियों का रखते हो यहाँ पे? यहाँ पे समाजवादी का, बीजेपी का, यही दो चीजों का मेन था। अच्छा, अभी आप समाजवादी पार्टी के सामने आपका कार्यालय था, क्या आप लोग अखिलेश यादव जो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे क्या मिलने की कोशिश करेंगे या उनके बाद अपनी बात रखेंगे? तो आगे का क्या कार्रवाई रहेगी, आगे आप लोग क्या करेंगे?
ये देखिए, ये थे हमारे साथ दुकानदार थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 2001 से यहाँ पे दुकान लगाए हुए थे। हालांकि जो नगर निगम है उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि ये 6 महीने से इनको नोटिस दी जा रही थी, उसके बाद आज नगर निगम ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। जी शादाब, क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी? शादाब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, बताएं। महीनों पहले नोटिस दिया गया था, तो क्या कारण रहा होगा दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं हटाई? देखिए हम बता दें कि दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि ये 3 महीने पहले नोटिस दी गई थी, फिलहाल अभी कोई नोटिस नहीं दी गई थी, लेकिन जो आज नगर निगम ने कार्रवाई की है वो बिना बताए आ गए उन्होंने कार्रवाई की। यही बात जब अधिकारियों से पूछी गई नगर निगम से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि इनको लगातार इत्तला की जा रही थी कि या तो पैसा जमा करें या अपनी यहाँ से दुकानें हटाएं, उसके बावजूद ये इन लोग दुकानें नहीं हटा रहे थे, जिसके चलते आज नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की। यहाँ तकरीबन कई दुकानें हैं जो 50 का भी सामान बेचते थे और खाने पीने की भी दुकानें थी। हम आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव भी यहाँ बैठ के कभी चाय पिया करते थे और साथ ही कभी अखिलेश यादव अगर यहाँ से निकलते थे तो वो भी रुक के यहाँ के लोगों से मिलते थे। अब जो ये दुकानदार हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये नोटिस आई थी तो उसके बाद भी ये अखिलेश यादव के पास वहाँ उनकी पार्टी कार्यालय गए थे, वहाँ अपनी बात रखी गई थी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी क्या लग रहा है, अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी? शादाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या लग रहा है, अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अवैध निर्माण को लेके सख्त नजर आ रहे हैं। कहीं भी अगर अवैध निर्माण है तो वो बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अधिकारी लगातार सख्त आदेशों के बाद लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। एक यही आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ पे सपा कार्यालय के सामने ये सब दुकानें लगी हुई थी, तो उसके बावजूद भी इसको हटा दिया गया है। हम आपको और यहाँ के दर्श दिखाएंगे, यहाँ पे एक महिला है जिसकी दुकान थी, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है और वो अब क्रोध में है और बड़े नाराज नजर आ रही है। उन्होंने अपने बाल भी मुड़वाने की बात की है, वो बाल भी मुड़वा रही है। आइए हम कोशिश करते हैं उनको देखने की कि वो किस तरह बाल मुंडवा रहे हैं। अब आपको ये भी दिखला दें कि जो यहाँ पे सामान है सब पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, प्रचार की दुकानें भी थी यहाँ पे उसको भी निकाल दिया गया है। हम कोशिश करेंगे वो महिला के पास जाने की, फिलहाल वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। फिलहाल आपको हम दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये इन्होंने बाल मुंडवा दिए अपने, ये महिला है, इन्होंने बाल मुंडवा दिए हैं। ये आपको हम दिखाना चाहेंगे, लगातार बड़ा नाराज है ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने इनकी दुकान हुआ करती थी, आज वो नगर निगम ने हटा दिया है। अभी इतनी नाराज हैं कि इन्होंने बाल मुंडवा दिया है। अभी फिलहाल जो महिला है वो अभी फिलहाल अभी बाल मुंडवा रही है, बड़ी नाराज नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की इनकी क्या कार्रवाई रहेगी और क्या ये आगे अपनी मांग रखती है। जी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।